खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। लोग डिजिटल तकनीक के सहारे तरक्की को नया आयाम दे रहे हैं, लेकिन नोएडा में कई गिरोह ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से देह व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को यूपी में नोएडा के सेक्टर 56 स्थित गेस्ट हाउस में थाना प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के नेतृत्व में AHU की पुलिस ने ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से वेश्यावृत्ति कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने गिरोह में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो युवतियां पुलिस की हिरासत में हैं। दोनों दिल्ली से गिरोह को ऑपरेट करते थे। आरोपियों के पास से एक I-10 कार और 3 मोबाइल सहित 24,930 रुपए भी बरामद किए गए हैं। गिरोह में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है। तीसरे आरोपी की तलाश है। पुलिस जिले के कई स्थानों पर दबिश दे रही है। आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर 58 में संबंधित धाराओं से केस दर्ज किए गए हैं। DSP ने बताया कि वेश्यावृत्ति के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले पहलू को भी शामिल कर जांच की जा रही है। जो दो युवतियां हिरासत में ली गई है, उनमें से एक नेपाल की है और एक वेस्ट बंगाल की है। ऐसे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की संभावना को पूरी तरह से अभी से ही खारिज करना जल्दबाजी होगी। आरोपी भले ही ज्यादा पढ़े लिखे ना है, लेकिन अपराध बहुत शातिराना ढंग से करते थे। DCP वृंदा शुक्ला ने बताया कि कुछ दिन पहले व्यक्ति ने सूचना दी थी कि ऑनलाइन बुकिंग कर रहे गिरोह महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवा रहे हैं। व्यक्ति ने ईमेल कर एक नंबर भी साझा किया था। सूचना देने वाले ने यह भी बताया कि सारी डीलिंग व्हाट्सएप पर की जाती है। डील फिक्स करने के बाद लड़कियां देह व्यापार के लिए निर्धारित स्थान पर भेजी जाती है। लिंक मिलने के बाद AHU की टीम ने इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस मामले पर काम करना शुरू कर दिया। टीम के लोगों ने कस्टमर बन वार्ता शुरू की और गिरोह के सदस्य से शनिवार के लिए डील तय की। ट्रैप बिछाने के बाद जब गिरोह के दो सदस्य शनिवार को निर्धारित स्थान पर लड़कियों को छोड़ने के लिए आए, तो पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। DCP वृंदा शुक्ला ने कहा कि गिरोह के सदस्य 5,000 से 20,000 के ग्राहक से डील तय करते थे। इसमें से लड़कियों को 1,500 रुपए ही मिलते थे। डील तय होने के बाद गिरोह के सदस्य लड़कियों को ग्राहक की ओर से बताए गए स्थान पर पहुंचाते थे। ग्राहक को ही होटल, घर, कोठी सहित अन्य स्थानों का इंतजाम करना होता था। गिरोह के सदस्य पूरी डील व्हाट्सएप पर ही करते थे। मामले से संबंधित अधिकारियों ने बताया कि कोविड के कारण देह व्यापार काफी हद तक ऑनलाइन मोड पर ही शिफ्ट हो गया था। अब पहले की अपेक्षा ऑनलाइन देह व्यापार के ज्यादा मामले सुनने में आ रहे हैं। उसी हिसाब से पुलिस भी अपना काम करने का तरीका बदल रही है। देह व्यापार जैसी गतिविधियां शहर में जहां जहां संचालित हो रही है, सभी को पता लगाकर पर्दाफाश किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार।